यहाँ पे टोनर डलने के वेरी गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू राइडर्स जंक्शन। तो आज हम निकले हैं दो तीन काम के लिए। तो सबसे पहले आपको टाइटल पढ़ के पता लगे क्या होगा। सो बेसिकली मेरे जो प्रिंटर है उसकी कार्ट्रिज खत्म हो गई थी, तो आई थॉट कि चलो एक ब्लॉग करते हैं, इसके लिए रिफिलिंग करवाएंगे और आपको भी गाइड करेंगे कि किस तरह से रिफिलिंग की जाती है, राइट। तो मुझे भी नहीं पता, मैं भी फर्स्ट टाइम करवा रहा हूँ। लेजर प्रिंटर है पानासोनिक MB 1500X। प्रिंटर बहुत बढ़िया है, अप्रोक्सीमेटली 5 साल चल गया मेरा प्रिंटर, राइट। तो आज 3-4 दिन पहले उसकी कार्ट्रिज खत्म हो गई थी, तो आई थॉट कि आज मेरे पास टाइम है, इसकी रिफिलिंग करवा दे। तो आपको मैं लेके चलूंगा, और कहाँ से, वेस्ट दिल्ली के जो लोग हैं, वेस्ट दिल्ली वैसे तो डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे इजीली आपके पास अवेलेबल हो जाता है, इजीली आप करवा सकते हैं। बट अगर कोई वहाँ नहीं जाना चाहता, कुछ मेरे नोन में था मेरा फ्रेंड जिनकी शॉप है, तो हाँ मैं आपको लेके चलता हूँ वहाँ पे। लेट्स गो, तब तक आप म्यूजिक सुनो, थोड़ा मैं भी सुनता हूँ। तो नॉर्मल प्रिंटर से ये कार्ट्रिज में क्या फर्क होता है? कार्ट्रिज में फर्क होता है, पैनासोनिक है, वो नॉर्मल अलग होती है। अच्छा, वो ब्रदर्स की होगी या ब्रदर अलग होता है, एचपी अलग होता है, कैनन अलग होता है, अपनी अपनी कंपनियां होती है। ओके, अरे पर्पल बॉटल दे दे एक जल्दी।
कार्ट्रिज रिफिलिंग हो गई, अब हम चल रहे हैं अपने अलग दूसरे काम को। इनसे मैंने कार्ट्रिज रिफिलिंग करवाई है, तो आप चाहो तो यहाँ पे आके रिफिलिंग करवा सकते हो। सो फ्रेंड्स, रिफिलिंग हो गई है हमारी, तो अब हम आगे के लिए चलते हैं। तो आपको मैं एक बार ओवरऑल व्यू दे दूँ रिफिलिंग के लिए। यहाँ पे टोनर डालने के बाद देन इसको वापस बंद कर दिया जाता है। बस इतनी सी चीज के 350 रुपीज एक्सपेंसिव है। हैव अ लुक। चलो, आपको ये वीडियो पसंद आए, किसी काम की वीडियो लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पे लाइक करना, कमेंट करना।